नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी उतर चुकी हैं, खासतौर से जो सचिन पायलट के इलाके हैं, चाहे वो टोंक रहा हो। और आज दौसा में उन्होंने जनसभा की है। अशोक गहलोत भी, सचिन पायलट भी, तमाम बड़े नेता साथ में हैं। वहां पर उन्होंने चुन चुन करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। 8,000 करोड़ के एरोप्लेन में चलते हैं, 27,000 करोड़ की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, 20,000 करोड़ से नए संसद भवन की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, वगैरह वगैरह। और सबसे जो सीरियस एलिगेशन उन्होंने लगाया है वो ये कि पूर्वी नहर राजस्थान परियोजना ERCA को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात उन्होंने कही थी, और अब क्या भूल गए। फिर साथ में वो सवाल भी उठाती हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में दौरे कर रहे हैं, क्या वो राजस्थान के CM होने वाले हैं? यानी कि ये कहीं ना कहीं उनका वार इस बात को लेकर के है कि BJP ने अपना फेस डिक्लेयर नहीं किया है। सुनिए वो क्या कह रही है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है। बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, 20,000 करोड़ का नया संसद बनाना, 27,000 करोड़ के कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने, 16,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदने अपने लिए, ये एक तरह के नेता करते हैं। भाजपा के आज नेता जो हैं, वो सबसे पहले अपने अहंकार को, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपने लिए काम कर रहे हैं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम कर रहे हैं। आप सोचिए, जब देश के प्रधानमंत्री 8,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीद रहे हैं और वही प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसे नहीं है, 27,000 करोड़ की इमारतें बनी जा रही हैं, वही कहते हैं कि OPS पेंशन के पैसे नहीं है। सुना आपने, कांग्रेस ने अपने इन तीनों राज्यों में, 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। और 3 राज्य जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ है, वहां पर फेस सामने रखा है। छत्तीसगढ़ में फेस रमन सिंह का है, राजस्थान में अशोक गहलोत का है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ का है। ये बात अलग है कि गहलोत को लेकर के बहुत द्वंद है, सचिन पायलट एकदम चुनौती दे रहे हैं, फिलहाल तो शांत है, लेकिन यदि कांग्रेस परंपरा को तोड़ करके रिपीट हो जाती है तो क्या सब कुछ इतना आसान होगा? आसान हो या ना हो, फिलहाल अशोक गहलोत का चेहरा सामने है। और परसों जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अशोक गहलोत ने जो बोला था वो सुनने लायक बात है कि वो तो CM पद की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, कुर्सी उन्हें नहीं छोड़ रही है और शायद आगे भी न छोड़े। तो कितनी बड़ी बात अशोक गहलोत कह गए हैं, वो साफ साफ इंगित कर रहे हैं कि यदि राजस्थान में आए तो फिर CM वही होंगे। और इसी बात को लेकर के प्रियंका गांधी घेर रही हैं PM मोदी को कि क्या वो राजस्थान के CM होंगे। बहुत सारी बातें हैं। देखिए, इशूज को लेकर के वार करना कि ये फिजूल खर्ची हो रही है, और उसके बाद लास्ट में ये जोड़ देना, ये इंगित कर रहा है कि आपने यहाँ पे फेस डिक्लेयर नहीं किया है, जो अक्सर BJP विपक्ष पे आरोप लगाती है, खासतौर से PM फेस को लेकर के, वही दांव प्रियंका गांधी चलने की कोशिश कर रही है। देखिए, अब तो ये चुनाव है, चुनाव में क्या होता है, कई बार आप बहुत सटीक चाल चलते हैं लेकिन वो सटीक बैठता नहीं है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हल्के मुद्दे को आप बहुत सीरियस बना ले गए। तो राजस्थान में राहुल गांधी कम आ रहे हैं, उसकी अलग वजह बताई जा रही है, प्रियंका गांधी ज़्यादा दौरा कर रही हैं, रिजल्ट बताएगा कौन कितना पड़ा भारी। रहिए एक बार, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।